I know. इस सॉन्ग में रैकेट होना चाहिए, बैट नहीं। लेकिन भाई ये कॉमेडी सर्कस है जो होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, रैकेट को बैट कर दे और सानिया मिर्जा को धोनी। वेलकम टू कॉमेडी सर्कस का नया दौर। यहाँ आज आप खेलों के अजीबोगरीब रूप देखेंगे और हंसी के ओलंपिक्स खेलेंगे हमारे स्पोर्ट्स स्पेशल में। कॉमेडी का मैराथन शुरू करने से पहले तालियां हमारे अंपायर्स के लिए। प्लीज वेलकम द चार्मिंग सोहेल खान एंड द गॉर्जियस एंड टैलेंटेड अर्चना पूरन सिंह। आज यहां खेले जाएंगे हंसी के ओलंपिक्स, लेकिन जिस भी जोड़ी ने कमजोर परफॉर्मेंस दी वो हो जाएगी गेम से बाहर, क्योंकि आज है हमारा एलिमिनेशन एपिसोड। अंधा हो अगर रंगीन मिजाज का तो हर एक लड़की खरवाली दिखती है। सुदेश को आंखों से कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसकी दुकान पर उल्टे सीधे स्पॉट्स के सामान है बिकते। प्लीज वेलकम सुदेश एज ब्लाइंड शॉपकीपर एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। भाई हाँ, कितना मुश्किल होता है दूसरों का करेक्टर करना। बहुत मुश्किल होता है भाई। तो चलो फिर अपना अपना करें। हाँ अपना अपना। भाई आज स्पोर्ट स्पेशल है, आज हम दोनों क्या करेंगे? करना क्या है भाई? हाँ? तू तो जानता है मैं देख नहीं सकता, मैं तो निशानेबाजी कर लूंगा और तेरा तो तुझे पता ही, तुम दौड़ लेना रेस में भाई। क्या टके की बात की है तुमने, बहन के टके। भाई हाँ? आज के दिन मुझे गाली मत निकाल कि? आज मेरा उपवास है। अच्छा? आज के दिन मैं गाली नहीं खाता। अरे तो मेरी गाली में कौन सा आटा लगा हुआ है जो तेरा उपवास टूट जाएगा? भाई तुमने मुझे हंसा दिया। यही तो कमाल, मैंने तुझे हंसा दिया। तू लोगों को क्यों नहीं हंसाता? भाई हाँ, आज स्पोर्ट्स स्पेशल है। हाँ चलो कुछ खेल की बात करें। अरे खेल तो ऊपर वाले ने खेला है हमारे साथ। क्या हुआ भाई, भगवान ने तेरे साथ क्या किया? नहीं नहीं भगवान नहीं, ऊपर वाला चैनल वालों की बात कर रहा हूँ। कहते कृष्णा शो कर ले तू बहुत बड़ा स्टार बनेगा, फिल्मों में तुझे काम मिलेगा। सच कहा? हाँ? तू स्टार जरूर बनेगा मेरे भाई, तू बनेगा। अरे तेरे कहने से क्या होता है। पिछली बार कटरीना और इमरान आए थे ब्रदर की दुल्हन प्रमोट करने, तूने उनको भी कहा था टिकटें बिकेंगी 1000 घंटा, कुछ हुआ कुछ? मिलेगा ना? बहुत मारेगा। सुन, नहीं मिलेगा भाई, वो बाहर ही नहीं निकलेगा। भाई सुन ना, तू बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है। अगर हम ऐसे ही एक्ट करते रहना तो फिर बहुत ड्रैग हो जाएगा भाई। भाई हाँ एक बात बता। हाँ? मेरे खून तो नहीं निकला। इतनी जोर से मारता है तू। आ जा भाई पीछे आ जा। क्या हुआ? एक्ट बहुत ड्रैग हो रहा है भाई। भाई तो ऐसा कर। हाँ। तू जा, मैं अपनी स्पोर्ट की दुकान खोलता हूँ। ओके भाई। अर्चना जी ये कुत्ता मेरे हाथ में, आप समझ गए होंगे मैंने इसका नाम कृष्णा रखा है। अच्छा। ये इसलिए नहीं कि मुझे उनसे कोई जलन है, मैं उसको नीचा नहीं दिखाना चाहता, इसको नीचा दिखाना चाहता कृष्णा। ये पहले पहले बड़ी इंसल्ट फील करता था कि मेरा नाम कृष्णा रख दिया, लेकिन आपने कोई बात नहीं, मैं तो अंधा हूँ भाई, मुझे नहीं पता चलता। सर जी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जब मैं देख सकता था आपने मुझे रेडी फिल्म में लिया था और फिल्म सुपर डुपर हुई थी, लेकिन अब बॉडीगार्ड भी आई है, उसमें मैं हूँ भी नहीं, सुपर हिट फिर हो गई। मैं थिएटर में गया था, मैंने ऑडियंस को रोक दिया, मैं क्या अंदर मत जाना, मैं फिल्म में नहीं हूँ। कहते तभी तो जा रहे हैं अंदर। हेलो कौन?
हाँ पप्पू, तेरे को नहीं भूल रही साले। हेलो पप्पू, क्या हो गया? क्या बैट और बॉल चाहिए? अच्छा मम्मा सुबह तक ले आएगी। ओके बाबा, मम्मा रात भर मेहनत करेगी, पैसे कमाएगी, फिर सुबह लाएगी ना। क्या अभी चाहिए? अभी चाहिए तो भगवान से प्रे कर कोई दुकानदार मिल जाए। ओके फिर मैं ले आऊंगी। ओके बाय। यारी इसकी आवाज पता नहीं कहां से निकल रही। तो भाई साहब इसकी आवाज नहीं निकल रही, वो मेरे कुत्ते की आवाज निकल रही। सुदेश सुदेश रोते नहीं, ऐसा नहीं रोने का, तेरे अलावा कोई कुत्ता नहीं स्टेज पे, ऐसे नहीं रोते बेटा। देखो ऐसे मत मारो कुत्ते को, ऐसे नहीं ना। देखो ऐसे नहीं अच्छा लगता, ऐसे मत मारो इसको, ऐसे मारो। हे कृष्णा तेरा बेड़ा गिरक हो गया। मैं यहाँ कुत्ते को मारने के लिए नहीं आई हूँ, इसको एक नंबर करवाने के लिए लाई हूँ, समझा? एक नंबर आप यहाँ नहीं करवा सकती। देखो रिक्वेस्ट है, देखो अब करवाने, देखो एक्ट में तो इतना है नहीं कुछ। ये एक नंबर करेगा, फिर सोहेल जी 9 नंबर देंगे, हो गए ना 10। नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अर्चना जी ने अगर 8 दे दिए तो ये 2 नंबर भी करता है। और अर्चना जी को मालूम है आजकल सुदेश स्टेज पे बहुत 2 नंबर करता है। देखो मैं काफी देर से देख रहा हूँ, तुम अंधे की इंसल्ट कर रही हो। अच्छा तू देख भी रहा है? नहीं, वो देख नहीं, वो बोलने वाला होता है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा माय गॉड तू अंधा है, माय गॉड। वो तू दुकान में लाइट काहे को ऑन रखा है तूने? वो मैंने इसलिए बंद नहीं की, फिर मुझे इमोशनल हो जाता हूँ, फिर मेरे पास पैसे भी नहीं आपको देने के लिए। क्या बकवास कर रहा है, मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, समझा? मैं इधर स्पोर्ट्स का सामान खरीदने के लिए आई हूँ। सामान? वो तो आपके पास भी काफी है ना? भाई साहब एक बात बताऊं, मेरे को ना ये स्पोर्ट्समैन जितने हैं ना, ये हॉकी खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना मेरे को बहुत पसंद है भाई साहब। अच्छा? हाँ तो बचपन से ही सोचा था कि अगर शादी करूंगी ना तो किसी सिंगर से ही करूंगी। तो मैं भी गा लेता हूँ। अच्छा हमारे पास कुछ होता नहीं तो गाना बजाना ही होता है हमारे, है ना? हाँ जी सुनाओ जी। हाँ कुछ सुनाओ कुछ है। चलो ठीक है, अगर मैंने गाना अच्छा गाया तो आप मेरे से शादी करें ना। हाँ जरूर। अगर नहीं गाया तो मैं कर लूंगा आपसे। बस देखो आराम से नहीं बैठे ना, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। क्या बात है सर? सर एक बात बताऊं, मैं आप ही के साथ शादी करूंगी सर। मुझे पता था मेरा संगीत आपको बहुत पसंद आएगा। नहीं संगीत नहीं, आप अंधे हो इसलिए मैं आपके साथ शादी करूंगी। सच्ची में सर मुझे आप पे बहुत दया आ गई। मेरा कहना सर, मैं रात रात भर बाहर रहती हूँ, सुबह घर आती हूँ तो कम से कम पति ये तो नहीं बोलेगा कि इस टाइम पर क्यों आई हो घर पे। चलो मैं तो नहीं देख सकता, आप तो घड़ी देख सकते हैं। हाँ देखो एक्ट लंबा तो नहीं हो गया, नहीं तो खत्म करो। बहुत लंबा हो गया है। चलो खत्म। इन दोनों की मैड पागल कॉमेडी के बारे में क्या कहेंगे आप? इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, कुछ दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। व्हाट आई हैव लाइक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, आप लोग ने एक बहुत धीमा सा टोन पकड़ा और उस धीमे से टोन पे आप लोग ने ऐसा कॉमेडी की है, अ वेरी सूदिंग कॉमेडी जिसको बोलते ना कि आराम से बैठ के, बट देयर इज अ स्माइल थ्रू आउट। सो आई रियली लाइक द पेस दैट एज एक्टर्स यू ऑल क्रिएटेड। अर्चना जी आप बताइए, इनका अंधा एक्ट आपको कैसे लगा? इस एक्ट में मुझे यकीन है कि जो राइटर था वो भी अंधा ही था। दिस एक्ट वॉज नॉट एन एक्ट बट इट बिकेम अ परफॉर्मेंस ओनली बिकॉज आप दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। बट आई थॉट यू बोथ वर टू क्यूट इन दिस एक्ट, वेरी वेरी क्यूट। चलिए तो इनकी क्यूटनेस के लिए ही सही, कितने नंबर देंगी आप इन्हें अर्चना? काफी वक्त से आपने शायद ये नंबर नहीं देखा, लेकिन आज देखना पड़ेगा। सुहेल 9 पॉइंट्स, वेल डन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुदेश और कृष्णा के लिए। पति को कर बुलंद इतना कि हर कुश्ती से पहले पति पत्नी से खुद बोले, डार्लिंग आज खली को हराऊंगा। पत्नी सुगंधा चाहती है कि उसका पति बाहर जाकर बड़ी बड़ी फाइट लड़े,
लेकिन फाइट से बचने के लिए राजीव करता है बहाने बड़े. प्लीज वेलकम राजीव एज पहलवान पति एंड सुगंधा एज हिज वाइफ. हट जाओ. अरे यहाँ पे साइकिल की रेस होने वाली है, हट जाओ. अरे 8-10 हफ्ते बाद ये आदमी तो हट जाएगा, पर ये इसके सामने तो सुहेल जी ट्रेन आ जाए ना तो भी नहीं हटती है. ट्रेन की चीखें निकल जाती, ये नहीं हटती है. कभी कभी पता क्या होता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी थक जाए ना तो घूमने फिरने इधर उधर चला जाता है उंगली करके. लेकिन ये थक जाए तो कहीं जाती नहीं है, सिर्फ 2 मिनट के लिए खड़ी हो जाती है. और कपिल को लगता है कि उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिली है. मैं बता दूं कि मैं हूं पहलवान शेर खान. एक बार अगर मैं दहाड़ दूं ना शेरों तो मेरा ना गला खराब हो जाता है, मुझे अगले दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. ओ शेरों, हाय रब्बा काम मर गया तेरा, मेरे से तो कोई काम नहीं करते, मैं तो तंग आ गई हूं. हाय हाय हाय, मेरी तो फूटी किस्मत है भाई, फूटी किस्मत. अर्चना जी क्या बताऊं, इतना निकम्मा इंसान है, बेशरम इंसान है. शादी से पहले जो मेरे पास कुत्ता था उसका नाम भी शेरू था, अब शादी के बाद जो कुत्ता है उसका भी नाम शेरू ही है. तो पहलवान है ना. हाँ. तो कुश्ती लड़ने क्यों नहीं गया? एक ना औरतों को बहस करने का बहाना चाहिए होता है. मुझे तो लगता है यहाँ तो तेरा दिमाग खराब है या फिर तेरा ही दिमाग खराब है. बस मान ली मैंने तेरी बात, लगा देता हूँ झाड़ू. जानू सुनामी से पहले की शांति है. झाड़ू लगाने की तकलीफ कर रहे हो, मैं ही मार देती हूँ. अच्छा? लाओ मारो मारो. झाड़ू जमीन पे मारते हैं. तो शादीशुदा औरत का तो जमीन भी यही होती है, क्यों अर्चना? उनको क्यों इन्वॉल्व कर रही है, वो हमेशा झाड़ू जमीन पे मारती हैं. वो बात अलग है, उस वक्त जमीन पे परमीत लेटा होता है. अच्छा तो फिर ऐसे मारती होगी, ऐसे. अब क्यों मारा? दर्द हुई? हाँ. ये देख लो जी पहलवान, शेरू नाम है इसका. कुश्ती के नाम से ही बिल्ली बन जाते हैं. ओए खबरदार जो ऐसा कुछ कहा तो. मैं खानदानी पहलवान हूँ, मेरे दादाजी सुहेल जी इतने बड़े पहलवान थे, इतने बड़े पहलवान थे. उन्होंने 7 फुट के पहलवान को ऐसे नीचे गिराया, उसके बाद इतना रोए हैं. क्यों? कहते गलती से मैंने गिरा तो दिया, वो उठ के इसने मुझे बहुत मारना है. अच्छा. तो तू खानदानी पहलवान है, मतलब अंडरटेकर से भी लड़ सकता है. हाँ? एक बार ला तो सही अंडरटेकर को, ऐसे बालों से पकड़ना, ऐसे फेंकना कि नाक में उंगलियां देके ऐसे पलटा के मारना. अंडरटेकर को अंडरवियर ना बना दिया तो मेरा नाम भी शेर खान नहीं. अच्छा. हाँ. अंडरटेकर. हाँ. शेर खान. हाँ. कोई डर नहीं, नहीं. वो सुन भी ले तो. सुन ले. हाँ. तो उसने तो सुन लिया, वो तो बाहर ही खड़ा है. ये तो तू विधवा होने वाली बात कर रही है फिर. कुश्ती के लिए तैयार है? नहीं. नहीं तो नासी, मेरे को क्या है? मैंने तो आज तेरी कॉमेडी सर्कस में शाम को एक लड़की के साथ कुश्ती फिक्स की थी. तू जा, आज मैं कुश्ती जीत के आऊंगा. हाँ मैं जा रही, मेरे को क्या करना है? अर्चना जी कौन होगी वो लड़की? मुझे पता ही नहीं था रोशनी तो दिन में भी कुश्ती लड़ती है. रोशनी मैं इधर मुंह कर लेता, तू इधर से आ जा. मुझे कुश्ती करनी तो मुझे मार. मार खाने में जितना मजा आता है ना कहीं नहीं आता. मार. दर्द नहीं हुआ? मर्द को कभी दर्द नहीं होता. मार. ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी रोता है. मोटो रुक जा, तुझे तेरे बाप की कसम है रुक जा. सुहेल जी हर बार मेरे साथ धोखा होता है, ऐसे ही धोखा होता है मेरे साथ. दिखाते कुछ है और निकालते कुछ है. मुझे बोला था कि मेरा मुकाबला सुदेश और कपिल के साथ होगा, मुझे क्या पता पहले एपिसोड में मुकाबला सुहेल खान से हो जाएगा. मेरे को भी सुहेल जी ने भेजा है, पता है तेरे को? उन्होंने कहा था जाकर राजीव की ना बाजू तोड़ देना. जरा सुसो, एक थप्पड़ मारने से एक नंबर एक्स्ट्रा. तो जब बाजू तोड़ दूंगी तो फिर तो सेंड कमीशन भी लेगा, सेंड कमीशन भी लेगी. एक मिनट मोटा, एक मिनट रुक जा. मुक्का ना मारी, मुक्का नहीं 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 नहीं. मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे. वो है मारने के लिए, तू छोड़ दे. एक सवाल का
जवाब दे फिर तुझे छोड़ सकती हूँ। कौन सा सवाल? ये बता ऐसी कौन सी जगह है जहां पर लोग अपना काम खुद करते हैं लेकिन पैसे दूसरों को मिल जाते हैं। जजमेंट। मेरा गुस्सा मम्मी के साथ आता है ना। गलत जवाब शॉट कर ले। अब सो तू मर गया। चलो गिरो। दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस मोटो तू जीत गई। उठ जा उठ जा। मैं जीत गई। अबे मोटो पहले नंबर पे खड़ी हो, दूसरे पे क्यों हो गई है? लो फिटे मुंह इसका अर्थ ना दी। बताओ इसको कि यहाँ पर पहला नंबर तो रिजर्व है ना। आजो रोशनी बता दो कौन है यहाँ पर। आजो सुगंधा यहाँ पर। अर्चना जी आप क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में? बहुत एनर्जी डाली राजेश तुमने, बहुत ज्यादा। एंड सुगंधा यूएस भारती वाज अ सरप्राइज पैकेज इन दिस एक्ट। लेकिन कहना पड़ेगा कि एक्ट वाज Not as powerful as the energy you put into it. इसमें humor था लेकिन वो थोड़ा contrived humor था, इसलिए वो इतना कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन आप दोनों की energy बहुत अच्छी थी। सुहेल। और अर्चना मैम said, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। क्या आप खुद जानते होंगे कि script थोड़ी weak थी, but I think as actors just work on the script because I just feel that the script has not done justice to you in this particular act. लेकिन इनके एफर्ट और एनर्जी के लिए सुहेल आप इन्हें कितने नंबर देंगे? दे रही है ले। 8 पॉइंट। अर्चना 7 पॉइंट। इंडिया में खेल दिल से खेले जाते हैं लेकिन कुछ लोग खेलों में से भी अपना माल बनाते हैं। एक गेम ऑर्गेनाइजर ने भी खेलों से काफी माल छापा है लेकिन आज उनके घर पर पड़ गया है पुलिस का छापा। प्लीज वेलकम कपिल एज ऑर्गेनाइजर सर्वेंट एंड श्वेता एज पुलिस ऑफिसर। हेलो या कहां से बोल रहे हैं? लंदन से। अरे बाबा लेकिन मेरे फोन में तो ISD है नहीं, कैसे आ गया फोन? अच्छा आपके वाले में है। ओके 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 दैट्स नाइस। मैं कौन बोल रहा हूँ, पहचाना नहीं मेरे को? ओफ एक तो बाल नहीं बनाए ना ढंग से। नहीं बाबा छाती के इतने घुंघराले बाल है ना, दो मिनट खारिश कर लो अपना अंगूठा फंस जाता है। ये बात सुन, लंदन से बोल रहे थे, भोजपुरी में की बात कर रहा है क्या? लंदन लॉन्ड्री जिला छपरा। तेरी माँ का घपरा साले फोन रख। ऐसे मेरे को अजीब अजीब नंबर आते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। अर्चना जी आपको बताया मैं इस देश के जो सबसे बड़े खिलमाड़ी साहब हैं उनका नौकर हूँ मैं। एक्चुअली मैं खुद हॉकी का प्लेयर रहा हूँ, आपको पता नहीं है? पता क्या, हम खुद हॉकी वालों को नहीं पता रहता कि हम किस किस के साथ खेले हैं। वो तो हम लोग जब मैच हारते हैं ना जब भी तो शेयर करके जब रिक्शा करते तभी याद आता, वो पिंटू तू भी था मैच में, ऐसे होता है हमारे साथ। खैर मैं सर जी आपको क्या बताऊँ, सोहेल भाई एक टाइम होता था सर जी हॉकी इज्जत होती थी, आजकल जॉब की इज्जत रहेगी बस, आजकल बचा ही कुछ नहीं हमारे अंदर। लेकिन साहब ने पैसा काफी इकट्ठा कर दिया हमारे लिए। चार हवलदार इस कमरे में और चार हवलदार उस कमरे में, चल। ए कहाँ के जा, इतनी तो लड़कियां भी नहीं घर में। क्या तेरे को तमीज नहीं किसी घर में कैसे घुसते हैं? अक्कल नहीं तेरे को, डाके की वर्दी पहन के पिस्तौल लगा के घूम रही है? अबे साले मैं पुलिस वाली हूँ और यहाँ छापा पड़ा है। छापे घर पे पड़ने लगे? होटल में तो पड़ते थे, अब बंदा घर पे भी इंजॉय ना करे हैं? और मेरी बात से इधर कुछ नहीं, अभी आधा घंटा पहले आते शायद तेरे को एकाध रशियन मिल जाती। अरे गलत नहीं बाबा, अभी खिलाड़ी आए थे ना खेलने तो होटल में सारे कमरे बुक थे, तो साहब चार खिलाड़ियों को घर में ले आए। उनके साथ खेला हमने थोड़ा बहुत जो भी था, और जो लड़की सेकंड आई ना उसको गोल्ड मेडल भी दिया साथ में 15,000 अलग से। अरे चुप। अभी कोई लड़की नहीं बाबा, इधर सच बोल रहा हूँ। अबे ये उस तरह का छापा नहीं है। मेरे को पता है उस तरह का छापा था, सबसे पहले तू ही पकड़ी जाती है। मैं पकड़ी जाती? मैं कैसे पकड़ी जाती? पुलिस के आने से पहले तो मैं भाग जाया करती थी, भाग जाया करती थी। देख लो सहेल भाई अपनी पुलिस और कहीं पे मौके पहुंचे ना पहुंचे, लड़का लड़की केस पे पूरे मौके पहुंचती है। और कभी कभी तो ऐसे मौके पहुंचती है ना कि इंसानियत पर से विश्वास उठ जाता है। अबे चुप।
साले ये घोटाले के सिलसिले में सीबीआई का छापा है। सीबीआई का छापा क्यों पड़ेगा मेरे घर पे जब मेरा अकाउंट एसबीआई में, तो सीबीआई का मारेगी छापा। और एक बात सुन मेरी, 3 महीने हो गए मेरे को अकाउंट खुलाए हुए, मेरा एटीएम क्यों नहीं आया अभी तक? मुझसे क्या पूछ रहा है, जाकर बैंक से पूछ। बैंक से पूछना पड़ता है? लेकिन मेरा अकाउंट तो फेसबुक पे है, ऐसे कैसे? पुलिस वाले से मजाक करता है, हैं साइकिल। अभी थाने ले जाकर अगर पिछवाड़े पर 4 डंडे खींच के मारोगे ना, तो पैंट टाइट होने में 2 मिनट नहीं लगेगा। तो एक अबला मर्द पे हाथ उठाएगी तेरे को शर्म नहीं आती? तो एक ही जगह पे 4 डंडे क्यों मारेगी? एक ही डंडा 4 जगह पे मारना, अलग अलग थोड़ी वेरिएशन आएगी। एक डंडा ठक ठक करके मार, एक ठुक ठुक करके मार, एक ठुस ठुस, ऐसे वेरिएशन होना चाहिए ना बाबा। चुप कर। ये देख क्या है, तेरे साहब के खिलाफ शिकायतों की लिस्ट है। क्या लिस्ट आई है? देख, पहली शिकायत है कि तेरे साहब ने खिलाड़ियों के कमरे में बाथरूम में 5,000 के टिश्यू पेपर्स लगाए। तेरे कौन से बाप के दुकान में 5,000 के टिश्यू पेपर्स मिलते हैं रे? आते ना बाबा, कंपनी के आते हैं, मर्सिडीज कंपनी के आते हैं 5,000 के टिश्यू पेपर। उसमें क्या रहता है ना, उस टिश्यू पेपर के साइड में थोड़ा जरी का काम रहता है, थोड़ा डायमंड लगा रहता है, तो इसलिए होते हैं ना बाबा। टिश्यू पर जरी और डायमंड, उससे छिलने का खतरा नहीं रहता? रहता ना बाबा, तो साथ में बर्नौल भी देते, तभी तो बजट आया 5,000 का। चुप कर। और देख दूसरा, दूसरा इल्जाम, खेल के आखिरी वक्त तक स्टेडियम तैयार हो रहा था। बताओ अगर स्टेडियम तैयार नहीं होगा तो खिलाड़ी खेलेंगे कैसे? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारी लास्ट मिनट तक अभी तक स्क्रिप्ट नहीं, हम लोग आए स्टेज पे, आए कि नहीं आए? वैसे बेइज्जती करा के रख दी हमारी। क्या बेइज्जती कराई है? खिलाड़ियों के कमरे तक साफ नहीं थे। एक अफ्रीकन खिलाड़ी की कंप्लेन आई है कि उसके कमरे में सांप निकला है। तो कमरे में से सांप नहीं तो डायनासोर निकलेंगे, तेरा दिमाग खराब है? तेरे को पता है उल्टा मेरे को सांप ने अलग से कंप्लेंट की है, कहता कमरे में से अफ्रीकन निकला है, बेचारा डर गया था पता है। सांप कैसे कंप्लेन कर सकता है? अरे सांप कर सकता है बाबा, इच्छाधारी सांप था वो, अफ्रीकन को देख के खरगोश बन के निकल गया दुमड़ी से, ऐसे होता है। चुप कर। और एक और कंप्लेन है कि इनॉग्रेशन के वक्त जो गुब्बारा उड़ाया था उसका बजट 40 करोड़ है। 40 करोड़ का कौन सा गुब्बारा आता है? देखो मैडम, हमने फिर भी कम लगाया, गुब्बारा 40 करोड़ 5 रुपए ऊपर था। एक्चुअली गुब्बारा 5 रुपए का था, लेकिन हमने जब फुलाया तो गुब्बारा खाली खाली लगा, हमने फिर करोड़ करोड़ की 4 BMW डाल दी उसमें, तो अभी गुब्बारा होता ना महंगा, ऐसे कैसे? बड़ा बोलता है तो एक थप्पड़ खींच के मारूंगी मैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, मेरे को पमेरियन कुत्ते से बड़ा डर लगता है, काटे चाहे ना काटे लेकिन पजामा फाड़ के ले जाता है, कभी कभी तो ऐसी जगह से फाड़ लेता है, दिल करता है इससे अच्छा काट ही लेता। बकवास बंद कर और जा अपने साहब को भेज। साहब नहीं आ सकते, साहब बिजी हैं। कहाँ बिजी हैं तेरे साहब? अरे क्या क्या कुछ नहीं, नाक का ऑपरेशन करवाने लंदन गए हुए, ऐसी ऐसी कुछ नहीं। साला हम सबकी नाक कटाकर अपनी नाक का ऑपरेशन करवाने लंदन गया हुआ है। तेरे साहब ने खेलों में ना बहुत घोटाला किया है, इस घर की तलाशी होगी। इस थैली में क्या है? है? थैली में क्या है? थैली में क्या है? कुछ भी नहीं थैली में। थैली में क्या होएगा? थैले में स्टेडियम। अब देख ले तू साधु जैसे आदमी पे इल्जाम लगा रही है, थैले में कच्चे होना चाहिए, कच्चे नहीं बेचारे ने स्टेडियम रखा हुआ है। और सुना कितना भोला आदमी है वो। अबे कच्चे की जगह करोड़ों का स्टेडियम रखा है, वो तुझे दिखाई नहीं देता? तेरे को क्या लगता है करोड़ों रुपए कच्चे से ज्यादा होता है? एक बात सुन मेरी, सड़क पे जा रहा ना आदमी, उसका करोड़ रुपया गिर जाएगा तो फिर भी मिल जाएगा, चलते हुए आदमी का कच्चा गिर जाए इज्जत वापस नहीं मिलती है। क्या समझती तू? कल बताइए भी सड़क पे ऐसे ही जा रहे थे, कुछ पहना नहीं हुआ था। मैंने कहा कुछ तो पहन, कच्चा तो पहन ले। कहता बाजी पहन तो, लेकिन झाड़ी वाड़ी तो मिले, जिसके पीछे छुपके पहनो सब देख रहे हैं। चक्कर। और मुझे तलाशी करने दे। ये क्या है? ओए होए, अंकिता लोखंडे की तस्वीर है? ये इसको हाथ नहीं लगाना, मेरे को सर्दी लग रही है, ऐसे गुस्सा मत कर तू, मेरी बात सुन। ये मेरे साहब की गुरु है पता है, मेरे साहब बड़ी पूजा करते हैं इसकी, मेरे साहब ने इसी से सीखा है कि मुफ्त में पैसे कैसे कमाने हैं। वो तो दिखाई दे रहा है, तभी तेरे साहब इतना कमीना निकला है कि तेरे साहब की वजह से खिलाड़ियों को स्टेडियम नहीं मिला, खाने को खाना नहीं मिला, और हमें ओलंपिक में गोल्ड नहीं मिला। ए गोल्ड तो मैं ही ले आता, अगर मेरे को हॉकी से बाहर नहीं निकालते तो। क्यों निकाला तुझे हॉकी से बाहर? मेरे को क्या पता, मैं तो हॉकी लेके मैदान में गया, मैच शुरू हो गया था, मैंने कहा बाबा मैच शुरू हो रहा स्टेडियम में स्टंप तो गाड़ो, और गाड़ मेरे को बाहर निकाल दिया, मैं तो समझ नहीं आया। हॉकी में स्टंप, तभी इन सालों को ना गोल्ड नहीं मिलता है, कोई नॉलेज ही नहीं है। क्यों नॉलेज नहीं मेरे को? ये देख
25,800 का भाव चल रहा है आज का। कल ही मैंने भैरव भाई के यहाँ से दो तले की चेन बनाई, तेरे को मतलब गोल्ड का नॉलेज नहीं मेरे को। अबे साले, इस गोल्ड की बात नहीं कर रही हूँ। तो किस गोल्ड की बात कर रही है? विदेश से जो खिलाड़ी आए हैं निशाना लगाने के लिए, उनमें से कुछ खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल मिला, लेकिन वो गोल्ड मेडल कहाँ गया उसका कोई पता नहीं है। देख मेरे को एक तो बात समझ में नहीं आती है, ये खिलाड़ी इतनी दूर से आते कि गोल्ड लेने, वहाँ पे नहीं मिलता क्या? दुबई ड्यूटी फ्री पे इतना अच्छा प्योर गोल्ड मिलता है। और मेरी बात सुनो, यहाँ पे निशाने वाले आए थे, उनका गोल्ड मेडल घुमाना, चार निशाने फायर खींच खींच के मारो ना एक ही जगह पे, तब जाके गोल्ड मेडल देते हैं। और मेरा पता है, मैं कल ज्वेलर की दुकान पे गया है कि फायर किया कितना सारा गोल्ड लेके आया हूँ मैं। एक फायर में इतना सारा गोल्ड? तेरे को यकीन नहीं है? नहीं। अभी देख तेरे को एक फायर में क्या लेके देता हूँ मैं। ए अर्चना, अगर तूने मुझे सही सही नंबर नहीं दिए तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। नहीं चलिए अर्चना, आपके पास ही चलेंगे, सही सही कमेंट तो दे ही दीजिए, नंबर बाद में पूछूंगी। कपिल, आप इतनी बढ़िया कैरेक्टराइजेशन करते हैं कि आपकी देखी हुई चीजें भी फिर एक बार और दोहरा दोहरा कर देखने का जी करता है। और आपको अब सुभान अल्लाह इतनी अच्छी पार्टनर मिली है, आपका इतना बेहतरीन साथ देती है। सो बोथ ऑफ यू, यू आर व्हाट कॉमेडी सर्कस स्टैंड्स फॉर एंड यू बोथ आर अ क्रेडिट टू कॉमेडी सर्कस। सोहेल, आज आपको कितना इंप्रेस किया इन दोनों ने? दिस हैज बीन माय फेवरेट सब्जेक्ट, मी बिग फैन, हर हु आई हैव फॉलन इन लव विद नाउ बिकॉज व्हाट शी कॉम्प्लीमेंट्स विद हिम। चलिए थैंक यू वेरी मच, अब इन्हें अच्छे अच्छे स्कोर्स भी दे दीजिए प्लीज। It's straight this. Whoa! 10 points. Archana ji, 9 points. Reporter Mantra को अपने साथ जबरदस्ती पहाड़ पे ले जा रही है माउंटेनियर विशाखा, और उतर उतर चिल्ला रहा है वो बेचारा। Please welcome Vishakha as mountaineer and Mantra as reporter. नमस्कार, इस वक्त की ताजा तरीन बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मुंबई के चकाला स्थित कॉमेडी सर्कस के सेट से। गौरतलब है कि 4 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली आज अर्चना ने डिसीजन ले लिया है कि वो छोड़ रही हैं। खुश होने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, वो सर्कस नहीं सिगरेट छोड़ने की बात कर रही थी। हमारे रिपोर्टर से बातचीत करते वक्त उन्होंने ये बताया है कि अब वो बीड़ी फूका करेंगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि सिगरेट की दुकान वाले ने उन्हें उधार देना बंद कर दिया है और स्पॉट दादा से बीड़ी छीनना कोई बड़ी बात नहीं है। नमस्कार, मैं जब से रिपोर्टर बना हूँ सबसे बड़ी खबर मेरे को एक ही बात मालूम पड़ी है कि हम हिंदुस्तानी लोग कोई भी बड़ा काम करने में 10 बार सोचते हैं, ये सारे बड़े काम फिरंगी लोग करके चले जाते हैं। कोई भी कहीं से उठता है इंग्लिश चैनल पायर कर लेता है, यहाँ पे किसी से पूछो इंग्लिश चैनल पता है, बोले हाँ पता है लेकिन रात को 12 के बाद देखते हैं। सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इन्होंने बना दिए, कोई आईफल टावर से लटक रहा है तो कोई नायग्रा फॉल से कूद रहा है। हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड कैसे बनते हैं, कोई बालों से ट्रक खींच रहा है, कोई सालों साल तक नाखून नहीं काट रहा है, कोई 12-12 महीने तक के जुराबे नहीं बदल रहा है, कोई इन्हें बताया कि ये रिकॉर्ड नहीं गंदगी है। लेकिन आज सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड हमारे साथ बैठे सुरेंद्र जी ने भी रहा है, सबसे ज्यादा छेद वाले अंडरवेयर के मालिक है ये। जी हाँ, और कई बार रात को अंधेरे में कंफ्यूज हो जाता है कौन से छेद में पांव डाले। कल आके मुझसे पूछ रहे थे कि ये अंग्रेज लोग बाथरूम में पेपर कैसे पढ़ लेते हैं, मैंने पूरा टॉयलेट पेपर छान मारा, कुछ नहीं लिखा है उसके अंदर। लेकिन आज एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर हिंदुस्तानी सेट करने वाला है। यहाँ पर कुछ ही देर में सुरेंद्री पाल जो कि एक माउंटेनियर है मौजूद होने वाली हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेंगे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और ऑफकोर्स ये भी बताया जा रहा है कि ये रिकॉर्ड आज वो यहाँ पर स्थापित करेंगी, तो हमें इंतजार है सुरेंद्री पाल का, वो किसी भी वक्त यहाँ पर मौजूद आ सकती है। हमारे दर्शकगण को बता दें कि यहाँ पर खेल शुरू हुआ नहीं है और पब्लिक ऑलरेडी जुटना शुरू हो चुकी है। भीड़ हट जाओ, यहाँ से हट जाओ, अभी यहाँ पर सुरेंद्री पाल आने वाली है, तुमको देखेंगी तो पहाड़ छोड़ के तुम पर चढ़। अरे मैं ही हूँ सुरेंद्र पाल और मैं ये पहाड़ चढ़ने आई हूँ। आपको देखकर लग रहा है आपको पहाड़ नहीं किसी देश पर चढ़ाई करनी चाहिए, विक्ट्री नसीब होगी आपको। जिस काम के लिए है ना वो काम कर, समझ गए? मैं दर्शकगण को बता दूं कि हमारे साथ में है सुरेंद्री पाल जो कि इस वक्त पहाड़ चढ़ने वाली। आपने पहाड़ चढ़ने का डिसीजन क्यों लिया? मुझे बहुत अच्छा लगता है अलग अलग काम करना, रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ मैं। क्या अलग अलग काम किया? मैंने बहुत बड़े अलग अलग काम किए। हमारे ना पहले आम पापड़ की दुकान थी, तो मैं ना
खट्टे आम है ना, वो मीठे आमों से अलग किया करती थी। हाँ, और कई लड़कियों को तो मैंने उनके बॉयफ्रेंड से अलग करवा दिया है। अरे कली, दो कंट्री को अलग कर दिया। दो कंट्री को अलग करने की बात कही जा रही, दो कंट्री कैसे अलग करी आपने? क्या किया उसके बाद, क्या फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, पापा ने किया संतरे वाली कंट्री, तू पी ले। कंट्री लीगर की बात है, जोक एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर देसी शराब की बात हो रही है। ये बताइए कि आपको किसी घर वालों ने मना नहीं किया ये सब करने के लिए? अंकल ने मना किया, लेकिन फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। ऐसा क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? आईसीयू में है वो। हाँ, 206 हड्डियाँ थी, अब 602 हो गई है। आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा डर लग रहा है, अगर आप इस पहाड़ पर चढ़ी और ये पहाड़ को इंजरी हो गई तो इसका इलाज कौन कराएगा? हड्डियाँ कितनी है? नहीं, मैं 206 जी, 602 करूँ क्या? नहीं, मैं बस इतना कह रहा था कि इस वक्त युगांडा में एक ज्वालामुखी फटने की खबर आ रही है मेरे पास अभी अभी। आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है सभी हिंदुस्तान वासियों द्वारा, आप माउंट एवरेस्ट छोड़िए, उस ज्वालामुखी पर चढ़ाई करिए, उसको भी ढक्कन मिल जाएगा कम से कम। नमस्कार, मैं चलता हूँ। नमस्कार। देखा सोहेल भाई कैसे आदमी होते, एक आदमी आगे जाने की कोशिश कर रहा है और हर कोई उसे पीछे खींच रहा है। अब अपनी अर्चना जी को देख लो, कितने सालों से जज जो बैठे हैं उनको खींचने की कोशिश कर रही है, फिर भी अपने शेखर जी कितने बड़े बिजनेसमैन हो गए, पाई दुनी में पाया सुप की दुकान है उनकी। हाँ, और अपने दिलेर बाजी 4 बंगले बेच दिए। कल ही कह रहे थे नवरात्रि में शो आया है तो कुछ पैसे कमाऊंगा तो नई रिक्शा खरीद लूंगा। खैर छोड़ो, सिद्धू पाजी तो आते ही नहीं है, कहते इस औरत के साथ कौन बैठेगा यार, इससे अच्छी मेरी पंक्चर की दुकान है। चलो छोड़ो, मैं तो अपना काम करने जा रही हूँ। अर्चना जी आप आ रही है क्या? नहीं, नहीं? नहीं। मुझे मालूम था आप मना कर देगी, क्योंकि आपको ये पता है जो अपनी कुर्सी एक बार छोड़ता है उसे वो दोबारा नहीं मिलती। कहाँ से चढ़ू, इधर से? नहीं नहीं, उधर से। आ गई, हा हा हा, कितनी ऊंचाई तक पहुंच गई हूँ मैं। हा, यहाँ न कोई इंसान है न कोई जानवर है, कोई है, कोई है, विशाखा। बस मैं, हा हा हा, कोई नहीं यहाँ पे। आयो, 2 से बले 1, 1 से बले 3, आफ्टर 6 इट इज 7, आफ्टर रजनी इट इज हेवन। नारदा सुपरस्टार, साउंड इफेक्ट, थैंक यू। अरे आप कौन हो? मैं, जिसने साइंस का बदल दिया सिद्धांत, मैं हूँ वो रजनीकांत। सर लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे बर्फ लेने के लिए, मेरे घर पे फ्रिज खराब हो गई, बर्फ ले रही। बर्फ लेने यहाँ आते हो तो खाना गर्म करने कहाँ जाते हो? खाना गर्म करने के लिए मैं सूरज पर जाता है, क्योंकि सूरज सबसे ज्यादा जलता है और रजनी सबसे ज्यादा छलता है। सर माइंड ब्लोइंग। और मेरे को एक बार बहुत गुस्सा है, मैं एक बार सूरज पे पहुंचा अपना तंदूरी चिकन बनाने के लिए, लेकिन मेरे से पहले वहां पर कोई बैठी थी। कौन? अर्चना। वहां पर पापड़ सेक रही थी मेरे से पहले। रजनीकांत का केवल एक ही कॉम्पिटिशन है अर्चना पुरन सिंह। Tell me more, बेटे लाल, तुम यहाँ क्या कर रही है? सर मैं सुरेंद्र पॉल, ये जो पहाड़ है ना इसके ऊपर मैं चढ़ने आई हूँ। आपको रिकॉर्ड मालूम है? रिकॉर्ड? ऐ बूटी, तुम रजनी का इंसल्ट कर रही है, तुम जिस पहाड़ पे चढ़ के रिकॉर्ड बनाएगा वो पहाड़ मैंने इधर रखा है। आपने? हाँ। कुछ भी, इतना बड़ा पहाड़ कोई कैसे उठा सकता है? अरे ये तो छोटा सा पहाड़ है, एक बार मैंने केरला को उठा के तमिलनाडु और कर्नाटक को उठा के आंध्र प्रदेश में रख दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ा? अरे कुछ भी बदल सकता है, लेकिन रजनी का टेरिटरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है सर। सर लेकिन एक बात बताऊं, ये पहाड़ आपने यहाँ क्यों रख दिया? बस मैं बोर हो गया, अब मुझे फुटबॉल नहीं खेलने। लेकिन इसका शेप तो फुटबॉल की जैसे नहीं है। आई मौटे, ये रजनी का किक से पिक्चर चेंज हो जाता है, ये तो छोटा सा एक फुटबॉल है। सर एक्शन एक्शन बन। सर लेकिन आप और कोई खेल खेलते हो क्या? मैं खेलता ही, मैं क्रिकेट बहुत खेलता है। एक बार मैं क्रिकेट खेलने के लिए गया, रजनी स्टाइल में मैं शॉट मारा, बॉल इतना हवा में गया, मैं 500 रन भाग लिया, 11 का 11 खिलाड़ी वहां पर खड़ा रहा, दूसरे दिन मालूम पड़ा लोग उसको चांद बोल रहे। रजनी स्टाइल। आखिरी सवाल सर, ये हुल हुल बुल बुल चल चल ये क्या है? ये सब मैं बाद में बताएगा, पहले ये बता तुझे मंगल ग्रह का भाषा कैसे पता चला? बस ऐसे ही सर, ऐसे ही सर। एक एक और, मैं तुम्हारा और कोई सवाल का जवाब नहीं देंगे, अब मैं तुमसे सवाल पूछेंगे रजनी स्टाइल।
सबसे पहले ये बताओ कि पहले मुर्गी आया या अंडा? ये सवाल का जवाब तो कोई नहीं दे सकता। मैं बताता है, सबसे पहले मुर्गा आया, फिर उसे सीटी बजा के मुर्गी को बुलाया, हनीमून हुआ। उसके बाद अंडा भी आया रजनी स्टाइल, समझे? हाँ सर सर, और एक सवाल। मैं तुमसे एक और सवाल पूछता है। सबसे पहले ये बताओ कि एक सांड को दूसरे पे लाल रंग देख के गुस्सा क्यों आता है? मुझे क्या मालूम? क्योंकि उसको गुस्सा आता है कि किसी और की लाल हो रही है। क्या बात है सर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। यस, तुमको क्या लगता है ये दोनों हमें कितना नंबर देने वाले हैं? इसका जवाब तो रजनीकांत को भी मालूम नहीं है। अयो वैसे लेट मी टेल यू रजनी एंड रजनीकांता, आई राइट विद अ स्वॉर्ड एंड आई फाइट विद अ पेन, क्विकली लेट मी हैव दोस 10। जो चाहिए वो दे देना, नहीं तो Fantastic. बहुत मुश्किल है ऐसा सीरियस काइंड ऑफ रिपोर्टर करना। आप हर कैरेक्टर को एक वैरायटी देते हैं। सो आई थिंक व्हाट स्टूड आउट इन द एक्ट वाज योर परफॉर्मेंस मंथ। थैंक यू। फैबुलस। सोहेल, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्ट एज अ टीम। पूरा डोमिनेशन आपका था मंत्रा, बट लेकिन जो सपोर्ट विशाखा ने आपको दिया, यू नो व्हिच इज फैंटास्टिक, इट वाज अ वेरी वेल रिटन स्क्रिप्ट, इट वाज अनबैलेंस्ड, बट एज अ टीम यू ऑल अंडरस्टूड दैट। थैंक यू। चलिए तो सोहेल, आप बताइए कितने नंबर देंगे आप इन्हें? यू नो ऑनेस्टली, आप लोगों ने जो किया, इट्स दिस। टेन पॉइंट। अर्चना, आप कितने नंबर देंगी इन्हें? आज सोहेल और मेरे में काफी अंतर है। दीज आर द मार्क्स फॉर द एक्ट। 8 पॉइंट। हेलो माय बेबी। ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजर सिद्धार्थ एक विदेशी प्लेयर को अपना टैलेंट दिखा रहा है। चलिए हम भी उसका टैलेंट देख ही लेते हैं। प्लीज वेलकम सिद्धार्थ एज ऑर्गेनाइजर एंड भारती एज फॉरेन प्लेयर। बंद करो, बंद करो। मेरे लिए हुड़ हुड़ नहीं, मेरे लिए गुड़ गुड़ दबंग 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 दबंग, गुड़ गुड़ दबंग दबंग। अभी सोहेल बाबा आप सोचेंगे कि उसमें तो गुड़ नहीं है, अभी कैरेक्टर के हिसाब से तो गाना होगा ना। वैसे वो तो रॉबिन हुड पांडे थे, मैं तो रॉबिन गुड पांडे हूँ। सेल भाई, ओ अल्लाह, मैंने क्या कर दिया भाई, अभी तो मैं काट दूंगा, मेरी जवागर भाई बुला दो। मैंने आपके लिए एक ना अच्छी सी हॉट सी कविता लिखी है। मैं मनी प्लांट की बेन, मैं सुखती जाती, मेरा बदलो पानी, मेरे बोतल विच लग गए जाले। अच्छी लगी तो ताले आप बजान बजाएंगे, बजाओ ताली। सबको एक खुशी की खबरी बताऊं, मैं अपने ओलंपिक के गेम इंडिया में हो रहे हैं और मैं भी वहां गेम खेलने जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज, गेम यानी नॉर्मल गेम। सोचोगे ना, लव गेम वगैरह मैं नहीं खेलता अभी। हाँ, मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। अर्चना जी, मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। कुछ नहीं, फ्री में एंजॉय करने का फॉर्मूला है बस। हाँ देखी देखी सूजी में लड़की। अबे तेरे ट्यूब में किसने हवा भरी रहे? तुम ऐसे कैसे बात करते हैं? हम पड़ोसी बहुत अच्छे आए गेम खेलने के लिए। हम पिस्टल शूटर है, शूटिंग करेगा इधर, शूटिंग करेगा, शूटिंग। देखो शूटिंग करेगा, आंखें तो इतनी छोटी छोटी है, क्या शूटिंग करेगा तू? आंखें छोटी है तभी निशाना अच्छा लगाते हैं हम। हमें निशाना लगाते वक्त आंखें ऐसे छोटी नहीं करना पड़ता, ऐसे लग जाता है। ये लो सेब।
सेब क्यों संतरा नहीं है? क्या अर्चना जी, पिछले एपिसोड में कपिल ने संतरा बोला तो आप उछल उछल के हंस रही थी। हमारे संतरे का सड़े हुए गधे को ना भी है। कहा था ना अपना वाला मत डाल। सॉरी सॉरी सॉरी। देखो ये तुम सेब अपने सर पे रखेगा तो हम एक मस्त निशाना लगाएगा तुम्हारी आँख में। अबे आँखों में निशाना लगाना तो ये क्यों ऊपर रखूं? एक्चुअली सेब जब सर पे रखते हैं तो हमें आँख की जजमेंट होती है कि आँख किधर है। इतने बड़े निशानेबाज हो? हाँ, बहुत बड़े निशानेबाज हैं। मैं भी बहुत बड़ी तीरंदाज हूँ। मुझे लगता है कि मैं तीर को ऐसे पकड़ूं, ऐसे खींचूं जोर से कि उसकी स्टिंग एकदम स्ट्रेट हो जाए, तीर तरसे मेरे हाथ से निकलने के लिए, लेकिन मैं उसको छोड़ू ना, और छोड़ू तो डायरेक्ट मेरे पास ही आए, क्योंकि अर्चना जी मेरी हरकतें ऐसी हैं, मैं उड़ता हुआ तीर हाथ से पकड़ लेता हूँ। तुम बहुत बड़ी तीरंदाजो। हाँ। तो फिर इतना कपड़ा टाइट क्यों डाला हुआ है? इसके बाद मैं स्विमिंग करने वाला हूँ। Oh my God, तुम स्विमिंग भी जानता? हाँ, मैं स्विमिंग करता हूँ, लेकिन स्विमिंग पूल में पानी होगा तो मैं नहीं स्विमिंग करता। मेरी बिकनी भीग जाती है। Oh my God, इंडिया का खिलाड़ी कितना कामचोर, हमारा खिलाड़ी ऑलराउंडर। ज्यादा बात मत कर, मैं भी ऑलराउंडर हूँ मालूम है। मैं 100 मीटर की रेस में 2-2 गेम खेलती हूँ। 2-2 गेम? रेसिंग की रेसिंग और पकड़ा पकड़ी भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है अर्चना जी जब मैं सबसे आगे भागती हूँ और मेरे पीछे बाकी के भागते। What a feeling! Oh my, हाका नूडल्स। लेकिन बहुत काम करता हूँ मैं। हमारा खिलाड़ी भी बहुत काम करता है, बहुत अच्छा गेम खेलता है और साथ साथ में एकदम परफेक्ट काम भी करता है। मैं भी बहुत काम करता हूँ। कौन सा काम? मैं लोगों को कसम खिलवाता हूँ। ओह माय मोमोज, ये कैसा काम हुआ? ये देखो। ओह माय मोमोज, मेरी कसम खाओ। कसम खाओ, मेरी कसम, मेरी कसम खाओ, खाओ मेरी कसम। ओह माय गॉड, कितना गंदा है तुम, तुम्हारी कसम खाओ। एक बात सुनो। बोलो। अगर तुम हमें इस गेम्स में जिता दोगे तो हम तुमको 1 साल का मंचूरियन फ्री देगा, फ्री। मुझे मंचूरियन पसंद नहीं है। क्या पसंद है? मुझे नूडल्स पसंद है। क्योंकि वो नूडल्स हमारे जैसे होते, आप उसमें से फंसे हुए होते हैं। देखो तुम ऐसा बकवास करता है तभी तुम लोग का खिलाड़ी गेम में नहीं जीतता। ए, सब जीतता है। मैं तो बोलता हूँ ओलंपिक वाले को बोलो कि ओलंपिक में ना कबड्डी लाए। कबड्डी? जिस लड़के को पकड़े उसको उधर ही ऐसा मसले कुछ ले। सब हाँ। मुझे पता था तू यहाँ कोई गेम्स वेम से नहीं खेलने आया, अपना ठरकपन उतारने आया है। नहीं 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 नहीं, सच्ची में इनको पूछो, मैं तो गेम खेलने आया था। अच्छा? मैंने सोचा इस ओलंपिक में बहुत बड़ा मेडल लेके जाऊंगा। अच्छा बेटा, चल घर आ, तुझे इतना बड़ा गोल्ड मेडल देती हूँ, चल जरा। चलो। इधर चलो। जो 10 मिनट का इतना बड़ा गेम खेला है उनको तो पूछ ले कौन से मेडल के हकदार है हम। अर्चना जी, सोहेल जी, ये 10 मिनट का जो हमने गेम खेला है, प्लीज बता दीजिए कौन सा मेडल हमारे हक में आएगा। आपको पूछने से पहले मैं सिद्धार्थ को वो कविता एक बार और प्लीज बोलने के लिए कहूंगी। कम ऑन से। मैं मनी प्लांट की बहन, मैं सुखती जाती, मेरा बदलो पानी, मेरे बोतल में लग गए जाले। मैं मनी प्लांट की बहन। अर्चना, आज तक भारती की लचक और अदाओं के बारे में बात करती थी, आज लगता है भारती को उसी के पार्टनर ने ज्यादा कंपटीशन दे दिया है। इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय यू सिद्धार्थ जाधव, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, माय गॉड। इस कविता में एक यूनिक पन जो आप लाए हैं ना अपनी लचक से, और आप कहाँ कहाँ मुड़ रहे थे, क्या क्या कर रहे थे और क्या क्या बोल रहे थे। भारती, फॉर वंस यू वर ओवरशैडोड, क्योंकि ये नजाकत और ये जो पूरे स्टेज पर फैले हुए थे ये पिंक ये पजामा पहनकर, आज तो सिद्धार्थ आपके चेहरे से, आपके लचक से, आपके पूरे बदन से हमारी नजरें नहीं हटी। वेरी वेल डन सोहेल।
मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, ये क्रिटिक्स किसी फिल्म के बारे में लिखते हैं जो बुरा लिखते हैं और फिल्म चल जाती है, और कभी कभी बहुत अच्छा लिखते हैं और वो फिल्म नहीं चलती। तो मैं यही कहता हूँ कि जो फिल्म चलती है वो अच्छी फिल्म है क्योंकि उसको पब्लिक चलाती है, और जो फिल्म नहीं चलती वो बुरी फिल्म है क्योंकि उसको पब्लिक नहीं चलाती है। बॉस आपको तो पब्लिक ने चला दिया, हम कौन है इधर। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़े जज जो है वो पब्लिक है, और पब्लिक ने पहली बार जब से मैं इस सीजन में हूँ किसी को ये बोला कि वंस मोर। चलिए पब्लिक ने इन्हें चला दिया, आप इन्हें दौड़ा दीजिए, नंबर्स भी दे दीजिए प्लीज। तेरे लिए तो डबल करना पड़ेगा बॉस। सर क्या होता है इधर आने तक ना बहुत टेंशन होता है ऐसे ना, उधर ना एक माहौल होता है ना, अरे उनका अच्छा हुआ उनको ये मिला उनको वो मिला, तो ना कान पे आता है ना फूल, तो फूल ना फटते। लेकिन ऐसा आपका आपको जो प्यार मिलता है ना सर, सच्चे में बोलूं कि ये मार्क तो आपने आपका प्यार है, लेकिन आप इतने यानी अर्चना मैम आप भी जो तरीके से हमको बोलते ना बहुत अच्छा लगता है, सच्ची बोलो पूरा ना अभी हो गया हमारा आपका बैठे ऐसा हो रहा है। अरे रुक जाओ अभी हुआ नहीं है, अभी अर्चना से भी नंबर लेने हैं। अर्चना कितने मार्क्स देंगी आप इन्हें? रियली लव्ड बोथ ऑफ यू इन दिस। थैंक यू सर। अब हमारी रिपोर्टर प्रिया लेगी इंटरव्यू बड़े बड़े सितारों का, धोनी, सचिन, सानिया, भूपति, ये सब बिजी थे ना, इसलिए प्रिया ने बुला लिया है उन्हें जो आजकल वेले बैठे हुए हैं। प्लीज वेलकम प्रिया एज रिपोर्टर एंड आथर एज वेरियस कैरेक्टर्स। नमस्कार, पेश है आज के मुख्य समाचार। कल रात सोने के भाव फिर बढ़ गए, जिससे होटल के कमरों का किराया 1500 से 2000 रुपए बढ़ गया है। अब खबरें बिस्तर से, सॉरी विस्तार से। कल रात साइबेरिया के बर्फानी भालुओं का कहना है कि हमारी विशाखा हमें वापस कर दे, वरना हम भारती को उठाकर ले जाएंगे। कल रात राम गोपाल वर्मा के घर से उनका वर्मा चोरी हो गया, जिससे वो सारा दिन अपना राम गोपाल लेकर घूमते फिरते रहे। अब खेल समाचार। इंग्लैंड दौरे पर इंडियन क्रिकेट टीम की 4-0 से हुई बुरी तरह हार। सानिया टेनिस से एक बार फिर बाहर, और खेल खेलकर हॉकी के खिलाड़ी हुए बीमार। अब आज खेलों पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर बुला रहे हैं कुछ जानी मानी हस्तियों को। सबसे पहले हम यहाँ पर बुलाएंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार डांसिंग किंग को। सनी जी, सनी जी, सनी जी, सड़के बिल्कुल बराबर है। तुम मेरी फीलिंग के साथ खेल रही हो अर्चना, दूसरे की बेइज्जती पर हंसना अच्छी बात नहीं है। सनी जी आप कितने फनी हैं। आपने मुझे डांस करते हुए कब देख लिया? खैर हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, सीधा मुद्दे पर आओ। सर मुद्दे पर आते हैं, ये बताइए कि हमारी इंडियन टीम कल ही 4-0 से इंग्लैंड से हारी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हमारी इंडियन टीम को तो आप छोड़ दीजिए, जहाँ तक इंग्लैंड और इंडिया का सवाल है वो तो एक साइड पे रह गया। मैं तो कहता हूँ कि अगर इंग्लैंड जिम्बाब्वे के साथ भी खेले ना तब भी इंडिया ही हारेगी। सर हमारी इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बाहर गई है, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैडम चाह रही है वो अभी। देखिए मैं उन्हें यही टिप दूंगा कि सारी इंडियन टीम हाफ बाजू के स्वेटर साथ में लेके जाए, और हाँ लक्स कोजी के अंडरवियर साथ में रख ले, ये आराम का मामला है मैडम। और हाँ चार चार क्वार्टर लख ले ओल्ड मॉन्क के, और हाँ चकना अपना अपना साथ में लेके जाए। सर 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 चार क्वार्टर रम के? अभी आप खुद ही तो कह रही थी कि हमारी इंडियन टीम क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंचती। खैर सर आप हमें अपने किसी हिट फिल्म के बारे में बताइए ना। मेरी हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सर आपकी हिट फिल्म? आए, मेरी तो है, 30 रुपए देकर मैंने उसे स्टेशन से खरीदा था। तो आप अभी कौन सी फिल्म कर रहे हैं? अभी फिल्में बन रही हैं। मुझे कहा गया था कि फिल्में बननी बंद हो गई हैं। सनी तुम आराम से घर पे बैठो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैडम जी ये तो आपका बड़ा बना मैडम जी, वरना लोग मुझे इतना प्यार नहीं देते। मेरा फोन आ रहा है। हेलो जी हाँ उखाड़ दूंगा मैं, हाँ मैं आ रहा हूँ। मैडम जी मुझे काम मिला है पंप उखाड़ने का, मैं जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब बची हुई स्क्रिप्ट से कुछ खबरें।
खबरें बची खुची। कल रात नकली शराब पीकर चार लोगों ने कुछ लड़कियों को छेड़ दिया, जिससे लड़कियों ने पुलिस स्टेशन में एंजॉय का मामला दर्ज करवा दिया। कल रात पड़ोसी देशों ने हमारी फिल्म 30 मार खां देखी, जिससे हमारे उनसे संबंध और खराब हो गए हैं। अब ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अथर हमारे दूसरे कैरेक्टर के लिए बिल्कुल तैयार है, तो आइए स्वागत करते हैं हृष्ट पुष्ट बलिष्ट बैचलर इन लाइफ विदाउट वाइफ मिस्टर अटल जी का। अरे किसने पकड़ लिया हमें, छोड़ो बताओ, बुला के बाहर बिठा देते हैं। इस तरह से बाहर बिठा के इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है। अटल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बिना गले मिले स्वागत कर रही है अच्छी बात रही है। आपके लिए एक स्पेशली कविता मेरी तरफ से। इरशाद, आपकी कविता की मौजूदा पंक्तियां देखकर हमारा मन हो रहा है कि आपकी पेंटिंग बनाए। सर इस डूबते हुए जहाज की पेंटिंग बनाकर अब क्या फायदा। देखिए हम इस जहाज को ऐसे डूबने नहीं देंगे, लेकिन ये भी सच है कि अथर से या कपिल से, नहीं कपिल से तो बच जाएगा, तो ऐसा करते हैं कपिल ले आते हैं। हेलो कैसे मैडम। नहीं मैंने सुना है कि आज एलिमिनेशन है, तो अगर आज आपने हमें बाहर निकाला तो फिर तो बाहर यही खबर फैलेगी भाई कि कपिल और अर्चना के बीच में तकरार और फाइनली कपिल कॉमेडी सर्कस से बाहर। नहीं पूरा बाहर। माइंड ब्लोइंग। मैं सोचता हूँ जाते जाते इसके साथ एक फोटो खिंचवा लूँ। अर्चना जी आई थॉट दैट योर सनी वॉज वेरी एनर्जेटिक, लेकिन आपके अटल जी बहुत बढ़िया लगे। बेस्ट मुझे वो लगा जब आपने वो गाना गाया टाइटैनिक का, दैट ट्विस्ट टू द टेल वॉज वेरी इंजॉयबल। सुहेल अथर ये आपका एक्ट था, प्रिया आपको एक्चुअली इसमें सिर्फ एक सपोर्टिंग सिस्टम के लिए यूज किया गया था, यू नो एज अ बाउंसिंग बोर्ड। आई हैव जेन्युइनली एंजॉयड द एक्ट, सो आई थिंक द पॉइंट्स विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू दैट नाउ। थैंक यू। चलिए प्रिया एक बार यहाँ पे आ जाओ, ये ले लेते हैं एक और फोटो एक खींच लेते हैं एंजॉयमेंट के साथ, एक बार मांग लेते हैं। Every night in my dream I see you, I feel you, that is how I know you, go on. ये अच्छी बात है। एक्ट में जो आपने गाया और वो पूरा जो लास्ट का जो ट्विस्ट था उसके लिए एक एक्स्ट्रा मार्क। कॉमेडी की सारी टीम्स ने अपनी अपनी इनिंग्स खेल ली, अब होगा नॉकआउट यानी एलिमिनेशन। आज तक के जजेस और ऑडियंस स्कोर्स को मिला करके आज की दो बॉटम जोड़ियां हैं अहर प्रिया आप। प्लीज कम एंड जॉइन मी ऑन स्टेज। और बॉटम टू में जाने वाली दूसरी जोड़ी है राजीव सुगंधा आप। प्लीज जॉइन मी ऑन स्टेज। अब तक के जजेस और ऑडियंस स्कोर्स को जोड़कर राजीव सुगंधा आपका टोटल होता है 100 पॉइंट्स और अथर प्रिया आपका टोटल होता है 98 पॉइंट्स, यानी कि राजीव सुगंधा आप सुरक्षित हैं, आप वापस जाके वहां बैठ सकते हैं बाकी की जोड़ियों के साथ। चलिए एक बार राजीव सुगंधा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, ये आज सेफ है। नंबर अथर एंड प्रिया डी वन थिंग, प्लीज बिलीव इन योरसेल्व्स बिकॉज यू गाइस आर फैंटास्टिक एंड जस्ट कीप एट इट। सो ट्रू। एक बड़ी जोर से शेर आया कि फैसला होने से पहले मैं भला हार क्यों मानूं, जग अभी जीता नहीं है मैं अभी से हार क्यों मानूं। यू नो बहुत मुश्किल है ह्यूमन नेचर के लिए टू डील विद जजिंग, जजमेंट एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये इस खेल का नियम है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड द वे यू रिएक्ट टू डिफीट विल डिसाइड द हाइट्स ऑफ योर सक्सेस। सो आई एम विशिंग दैट यू हैव ग्रेट हाइट्स ऑफ सक्सेस बिकॉज आप दोनों ने अपनी डिफीट को बहुत खूबसूरती से हैंडल किया है। Well done in all your performances. Thank you so much for being a part of Comedy Circus Ka Naya Daur. Thank you all. Thank you for all the love. Thank you. Hasi ka World Cup yahi khatam hua. Lekin comedy ki speed har hafte aur badhegi. Aapki hasi ab Formula 1 se bhi tez daudegi.
अगले हफ्ते होगा कॉमेडी का एक नया अंदाज हमारी जोड़ियों के साथ, ओनली ऑन अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर।